श्रीमद् भगवद गीता के नवे अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने इस अध्याय से 6 श्लोक पढ़े थे, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार उन 6 श्लोकों का सार, जिस प्रकार उन्होंने राज विद्या और राज गुह्य योग का वर्णन प्रारंभ किया है कि मनुष्य को अशुभ से मुक्ति हो जाए, गूढ़तम जो तत्व है इस संसार में उसका बखान है, यानी परमात्म तत्व का जो भक्ति योग से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान ने कहा था, अब दोषदर्शी तू नहीं यो गुप्त सह विज्ञान के, वह ज्ञान कहता हूं अशुभ से मुक्त हो जन जान के। यह राज विद्या परम गुप्त पवित्र उत्तम ज्ञान है, प्रत्यक्ष फल प्रद धर्मयुत अव्यय सरल सुख खान है। श्रद्धान जिनको पार्थ है इस धर्म के शुभ सार में, मुझको न पाकर लौट आते मृत्युमय संसार में। अव्यक्त अपने रूप से जग व्याप्त मैं करता सभी, मुझ में सभी प्राणी समझ पर मैं नहीं उनमें कभी। मुझ में नहीं है भूत देखो योग शक्ति प्रभाव है, उत्पन्न करता पालता उनसे न किंतु लगाव है। सब ओर रहती वायु है आकाश में जिस भांति से, मुझ में सदा ही है समझ सब भूत गण इस भांति से। तो अब आगे महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करना बाकी है, तो पढ़ते हैं अगला श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। यानी हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर यानी महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में यानी महासर्ग के समय, महासर्ग जब पृथ्वी जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है और महाप्रलय जब सृष्टि का अंत आता है, तो कल्पों के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूं। तो संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मुझ में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के तादात्म्य करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उन फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। अब महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। तो परिशिष्ट भाव यही है कि सृष्टि में 3 मुख्य बातें हैं, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। साधक की दृष्टि संसार की स्थिति की तरफ ही रहती है, इसलिए पहले पूर्व श्लोक में स्थिति की बात कहकर अब भगवान इस श्लोक में उत्पत्ति और प्रलय की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों ही समग्र परमात्मा से होते हैं। वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं, प्रत्युत उत्पत्ति और प्रलय के प्रवाह को ही स्थिति कह देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं है, प्रत्युत प्रलय ही प्रलय है, अर्थात अभाव ही अभाव है। अतः संसार का प्रलय अभाव अथवा वियोग ही मुख्य भाव है। तो अगला श्लोक है, प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्सनं वशं प्रकृते अवर्षा। यानी प्रकृति के वश में होने से
परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं। अब जैसे दही को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन और छाछ, ये दो चीजें पैदा हो जाती हैं। मक्खन ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाता है। तो यहां पे मक्खन सात्विक है, छाछ तामस है, और बिलोना यानी बिलोना जो क्रिया है वो राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गुण पैदा हो गए। उन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, ये तीनों लोक पैदा हुए। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए। अर्थात कोई सत्व प्रधान है, कोई रज प्रधान है और कोई तम प्रधान है। तो यहां परमात्मा की प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है। परमात्मा के अंश जीवों का अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने को बीज स्थापन करना कहा गया है। तो ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे। तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय प्रकृति में लीन हुआ था। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था, इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महासर्ग के आदि में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अब अलग अलग योनियों में जन्म होने से इस चेतन समुदाय की व्यष्टि प्रकृति अर्थात गुण कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवशता ही कारण है, और यह परवशता तीनों लोकों में है। इसी परवशता का आगे वर्णन हुआ है। अब प्रकृति परमात्मा की एक अनिवर्चनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है, इसको परमात्मा से भिन्न नहीं कर सकते, अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, जो उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। अब इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है। जैसे मनुष्य द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो वे विभिन्न करण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यह मनुष्य की कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह उसका इन करण, उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान में लिप्तता नहीं होती। तो यहां यही बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश में हो गए हैं। व्यष्टि प्रकृति के परवश होने से ही जीव समष्टि प्रकृति के परवश नहीं होता। अब प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उनका जन्म नहीं होता। तो आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बंध जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बंधते? इसका उत्तर अब भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। यानी हे धनंजय,
सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। तो कर्मों से मनुष्य बनता है, इस सांसारिक दृष्टि से ही भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों से नहीं बनता, क्योंकि मेरे मुझ में न कर्मासक्ति है, न फलासक्ति है और न कर्तृत्व है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। तात्पर्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ हो रहा है वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है और भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सब एक ही समग्र भगवान के अंग हैं, स्वरूप हैं। अहम् कृत्सन्यस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, यानी सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर भगवान किससे उदासीन हो। इसलिए भगवान ने अपने को उदासीन वत अर्थात उदासीन की तरह कहा है। पूर्व श्लोक में आसक्ति का निषेध करके अब भगवान कर्तृत्व अभिमान का निषेध करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते, यानी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। तो यहां पे मुझसे सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर अचर जड़ चेतन आदि भौतिक सृष्टि को रचती है, जैसे बर्फ का जमना, हीटर का जलना, ट्रैम रेल का आना जाना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना, हजारों मील दूरी पर बोले जाने वाले शब्दों को सुनना, हजारों मील दूरी पर होने वाले नाट्य आदि को देखना, शरीर के भीतर का चित्र लेना, अल्प समय में ही बड़े से बड़ा हिसाब कर लेना आदि आदि कार्य विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं। परंतु उन सभी यंत्रों में शक्ति बिजली की होती है और बिजली की शक्ति के बिना वे यंत्र स्वयं काम नहीं कर सकते। ऐसे ही संसार में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का सर्जन, पालन और संहार, स्वर्ग आदि लोकों में और नरकों में पुण्य पाप के फल का भोग, तरह तरह की विचित्र परिस्थितियां और घटनाएं, तरह तरह की आकृतियां, वेशभूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है वह सबका सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, पर वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता अर्थात सत्ता स्फूर्ति से ही। अब भगवान की सत्ता स्फूर्ति जो एनर्जी है पीछे, के बिना प्रकृति के ऐसे विचित्र काम नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान को छोड़कर प्रकृति में ऐसी स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है। अब जैसे कैलकुलेटर है या कंप्यूटर है या मोबाइल है, वो अपने आप में कुछ नहीं है, खिलौना है मात्र, लेकिन उसमें जब ऊर्जा आती है तब वो चल पाता है। उसी प्रकार ऊर्जा शक्ति जो है प्रकृति में वो ईश्वर है, लेकिन होता सब कुछ प्रकृति से है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे बिजली में सब शक्तियां हैं पर वे मशीनों के द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवान में अनंत शक्तियां हैं पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। अब जो नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रय से प्रकृति घूम रही है और संसार मात्र का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि न डालकर जो उल्टे चलते हैं उनका वर्णन आगे के दो श्लोकों में किया है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, यानी मूर्ख लोग
मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। अब इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है, यानी भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि हैं, परंतु अज्ञानी मनुष्य उनको स्वरूप से नहीं जानते, वे अलौकिक भगवान को भी अपनी ही तरह लौकिक समझते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, ईश्वर नहीं थे। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें सबसे पहले यम आता है, तो यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी त्याग। अतः जो योगी होता है वह यम का पालन अवश्य करेगा, अर्थात वह सत्य ही बोलेगा। अगर वह असत्य बोलता है तो वह योगी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने योग के पहले अंग यम का ही पालन नहीं किया। अब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह अपने को ईश्वर कहा है। अगर वे योगी हैं तो वे सत्य बोलते हैं, और अगर वे सत्य बोलते हैं तो वे समग्र ईश्वर हैं, यह मानना ही पड़ेगा। अब भगवान आगे के श्लोक में अपनी अवज्ञा का फल बताते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। यानी जो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्यों की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सब फल देने वाले नहीं होते। तो यहां पे इस श्लोक में आसुरी संपत्ति की बात आई है, जिसका फल सहित विस्तार से वर्णन भगवान ने 16वें अध्याय में आगे किया है। आसुरी संपत्ति का फल है 84 लाख योनियों की तथा नरकों की प्राप्ति। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य जो फल चाहते हैं वह तो उनको नहीं मिलता मोघाशा, पर अनिष्ट फल यानी दंड तो उनको मिलता ही है। वे पाप तो करते हैं सुख पाने के लिए, पर सुख तो मिलता नहीं, पर दुख जरूर पाना पड़ता है। वे करते तो हैं भगवान की अवज्ञा, पर परिणाम में अपना ही नुकसान करते हैं। तो भगवान को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी आसुरी संपत्ति के यहाँ पे 3 भेद बताए गए हैं, कामना की प्रधानता वालों की आसुरी, क्रोध की प्रधानता वालों की राक्षसी, और मोह मूढ़ता की प्रधानता वालों की मोहिनी प्रकृति होती है। तात्पर्य है कि कामना की भावना प्रधानता होने से भी आसुरी प्रकृति आती है, तो जहां कामना की प्रधानता होती है वहां राक्षसी प्रकृति क्रोध आ ही जाता है, और जहां क्रोध आता है वहां मोहिनी प्रकृति और मोह जिसे कहा जाए वो आ जाता है। अब यह सम्मोह लोभ से भी पैदा होता है और मूर्खता से भी पैदा होता है। तो अब भगवान ने अपने प्रभाव सामर्थ्य आदि का वर्णन तो कर दिया, उस प्रभाव को न मानने वालों का वर्णन 11वें और 12वें श्लोक में कर दिया। अब उस प्रभाव को जानकर भजन करने वालों का आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। परंतु हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य न तो भगवान को मानते हैं न उनकी आज्ञा को ही मानते हैं, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य
भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही हैं। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। दृढ़ मान्यता भी जानने के समान ही होती है। भगवान सबके आदि और अविनाशी हैं। इसका वर्णन इसी अध्याय के 4th और 11th श्लोक तक हुआ है। अब पिछले श्लोक में भजन करने वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताया है। सततम् कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढवृता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। यानी नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य, दृढ़ व्रति होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी ही उपासना करते हैं। तो यहाँ पे नित्य युक्ता यानी मनुष्य भगवान में ही जो नित्य युक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रहते हैं, सांसारिक भोगों में और संग्रह में नहीं। कारण के समय समय पर भोगों से भी ग्लानि होती है और संग्रह से भी उपरति होती है, परंतु भगवान की प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बनता है वह दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। तो भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन है, वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भी भगवान की ही सेवा है। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्ययुक्त होते हैं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं, ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न साधन करते हैं तो लगन पूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक दिखते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान ही होते हैं। वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनाते हैं इत्यादि। तो वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं वह सब भगवान का स्तोत्र ही होता है। वे भक्तिपूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, सद्गुण सदाचार आते हैं उनमें, उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो वे इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी ही कृपा से हो रहा है, आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योग से नहीं हुई है, अतः इन सद्गुण सदाचारों को, इस साधन को आपकी कृपा से हुआ समझकर मैं आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूँ। तो इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय जो भी खाना पीना सोना जागना तथा व्यापार करना खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं उन सबको भी मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। तो आज यही समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।